चोर चोरी करते हुए ये नहीं जानता है कि हम अगर पकड़े गए तो क्या धुनाई होगी हमारी। गलत काम करते वक्त क्या उसको पता नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। लेकिन उसकी जिजीविषा इतनी प्रबल होती है कि वह देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है। बुरे कर्म करते हुए क्या उसको पता नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। और कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, वो परमात्मा तो आपके सारे कर्मों को देख रहा है, उससे बच के कहां जाओगे। एक महात्मा थे, बहुत से शिष्य उन महात्मा के पास थे, तो सब शिष्यों ने एक दिन महात्मा अपने महात्मा के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज जी आप बताइए कि सबसे ज्यादा आप किससे प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा आप किससे प्रेम करते हैं, क्या कह रहे हैं, सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं। भगवान से भी कोई पूछे तो किससे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा, भगवान से कोई पूछे तो लोग पता है क्या कह देते हैं, अरे भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं और भगवान कहते हैं सब पर मोर बराबर दाया, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सबके प्रति भगवान की एक दृष्टि है। ऐसा कभी मत समझ लेना। हाँ, हमारे ठाकुर जी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, हे दुर्वासा जी महाराज, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूं, वो जैसा कहता है मैं वैसा करता हूं। भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। और भगवान का पक्षपात आपको बताएंगे तो आश्चर्य कर जाओगे, जो अपराध भगत का करई राम रोष पावक सो जरई। किसी भक्त का अपराध करके तो देखो, फिर पता चल जाएगा तुमको। स्वयं श्री ठाकुर जी हमारे श्री हमारे भक्त वत्सल करुणा निधान श्री ठाकुर जी श्री नरसिंह भगवान, श्री नरसिंह भगवान एक भक्त के लिए अवतार लेकर के आए हैं, खंभा फाड़ के आए हैं। और तो और, श्री प्रहलाद जी को भगवान बचा लिए, और जिस प्रहलाद का तिरस्कार किया, अपमान किया, ऐसे हिरण्यकश्यपु, यद्यपि उसका बाप है वो, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रहलाद के बाप को भी नहीं छोड़ा, फाड़ के फेंक दिया है। छोड़ा भगवान ने हिरण्यकश्यपु को, सब पर मोर बराबर दाया, ठीक बात है, लेकिन जब ये बात आ जाती है तो भगवान पक्षपात भी करते हैं अपने भक्त के लिए। तो पश्यन् नापि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर देना,